हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन के ऐप लॉक है, तो ऐप लॉक वगैरह को आप सेट कैसे कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो बताने वाले हैं कि ऐप लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा सकते हैं, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शोर हैं, सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो जो हमारे फ़ोन में ऐप लॉक है, तो ऐप लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है। तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ये ऐप सेटिंग्स आ जाएगी, जिस पे जाकर ऐप लॉक लगा सकते हैं किसी भी ऐप्स में। जैसे हम ऐप लॉक लगाना चाहते हैं, तो कुछ ऐप्स हैं जिस पे हम ऐप लॉक सेट कर देंगे, तो इन पे ऐप लॉक लग जाएगा। और जैसे हम इन ऐप्स को ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ऐप लॉक शो करेगा। इस तरीके से यूट्यूब पे भी ऐप लॉक हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। आप चाहें तो ऐप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और कुछ इस तरीके से आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अगर आपको ऐप लॉक सेटिंग्स नहीं मिलती है, तो आप सर्च करके भी ऐप लॉक सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे आ जाएंगे। देख सकते हैं आ चुके हैं। तो आपको इस पे जाना है, फिर पैटर्न पासवर्ड डाल देना है। कुछ इस तरीके से पैटर्न पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पर ही ऐप लॉक ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी ऐप्स को आपको अनलॉक करना है, उस तरीके से अनसेलेक्टेड कर देना है और आपके ऐप लॉक अनलॉक हो जाएगा और उन पर ऐप लॉक शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं और हटा सकते हैं। एंड आप चाहें तो ऐप लॉक को इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं और ऐप लॉक आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉक को सेट कर सकते हैं, आप अनलॉक भी कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो